कुलकर्मी मांझी से 3 लाख की धोखाधड़ी, धनसार पुलिस जांच में जुटी। धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र के चांदमरी कोलियरी में टेंडल पद पर कार्यरत सोमरा मांझी को लोन दिलाने के नाम पर कोऑपरेटिव बैंक झरिया ब्रांच से दलालों ने 3 लाख की धोखाधड़ी की है। मामले की जानकारी मिलने पर सोमरा मांझी की पत्नी सुंदरमणि देवी ने घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को दी। कोलियरी के मांझी बस्ती के ग्रामीणों ने लोन दिलाने वाले अशोक यादव व धोबताड़ा निवासी कुणाल गुप्ता को पकड़कर धनसार थाना को सुपुर्द कर दिया। सोमरा मांझी माइंस रेस्क्यू बस्ता कोला स्थित BCCL की ओर से विभागीय ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग में शामिल होने के कारण धनसार थाना नहीं जा सके। दोनों आरोपियों ने पैसे लौटाने की बात कहते हुए कुछ दिनों का समय लिया है। इसके बाद धनसार थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को PR बांड पर छोड़ दिया। सोमरा का कहना है कि अशोक व कुणाल ने उसके दिव्यांग पुत्र का इलाज अच्छे अस्पताल में कराने का सपना दिखाकर लोन निकलवाया था। लोन की राशि 24 दिसंबर वर्ष 2020 को उसके झरिया ब्रांच कोऑपरेटिव बैंक के खाते में से 1.5 लाख रुपए की निकासी कर ली गई। 1.5 लाख की एक किस्त कोलकर्मी परशुराम नामक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। वहीं एक किस्त मेरे नाम से निकाला गया है। पूरे ट्रांजैक्शन में मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। मंगलवार की शाम पीड़ित सोमरा ने धनसार थाना में लोन के नाम पर पैसे निकालने की शिकायत की। मजदूर नेता विनोद सिंह ने मामले को लेकर जिला प्रशासन से पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की है। धोखाधड़ी की शिकायत के बाद मामले की छानबीन की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या कुछ हुआ आपके साथ? हमारा पास ये घर है, मेरा नाम है सोमरा मांझी। क्या कुछ हुआ है? क्या कैसे क्या कुछ हुआ है? आपको दलाल सुनकर फंसा दिया क्या? क्या नाम है दलाल? क्या नाम है? विकलांग है आपके, मेरा लड़का विकलांग है। जी जी जी। उसी के आधार पर हमको लोन दिलवाने के लिए लोग कोशिश किया और लोन दिलवाया।